हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज हम ये दो कलर्स की वूल यूज़ करते हुए जो कि 4-ply एक्रेलिक यान है और 10 नंबर नीडल्स यूज़ करते हुए 10 नंबर सिलाई 3.25 mm साइज रैबिट बूटीज बनाना सीखेंगे। देखिए, मैंने एक जो है फुट बना लिया क्योंकि हमारे दोनों सेम बनने हैं, तो एक जो है पैर मैंने बना लिया है और दूसरा अब हम बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमारी जो वूल यूज़ हुई है एक रैबिट के लिए, वो हमारी वूल 16 ग्राम यूज हुई है, 16 grams। तो उस हिसाब से आप वूल ले सकते हैं। ये थोड़ी लाइट वेट वूल है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 ग्राम तक ऊन यूज होगी इसमें एक बूट में। और एक हमें सीजर चाहिए और बीड्स चाहिए। देखिए, आईज और नोज बनाने के लिए अगर आपके पास बीड्स नहीं है तो आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, कढ़ाई कर सकते हैं। और स्टिच होल्डर्स चाहिए अगर आप बिगिनर हैं। अगर आप जो है एक्सपर्ट निटर हैं तो आपको स्टिच होल्डर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक हमें टेपेस्ट्री नीडल, स्वेटर सिलने की सुई। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम सोल बनाएंगे और सोल बनाने के लिए हमें, क्योंकि बारीक वूल है इसलिए हम इसे डबल करेंगे। अगर आपके पास मोटी ऊन है इसी व्हाइट कलर में तो आप उससे भी बना सकते हैं, या पिंक कलर में अगर मोटी वूल है उससे भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर इस पतली वूल से बनाएंगे इसलिए हम छोटा सा एक बॉल बना लेंगे, और क्योंकि हमें इसे डबल ऊन से बनाना है तो पहले एक छोटी सी बॉल बना लेते हैं। ये हमने देखिए बॉल इस तरह से बना ली है। अब हम क्या करेंगे, डबल धागे से कैसे फंदे हमने कास्ट ऑन करने हैं। देखिएगा इस तरह से, वन सिंगल धागा ही, सिंगल फंदे ही बनेंगे लेकिन धागा हम देखिए इस तरह से दोनों धागे चलाएंगे, टू थ्री। तो इस तरह से अब हम पहले 35 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे, क्योंकि हमें ये एक से लेकर 1.5 साल के बच्चे के लिए बनाना है। तो 35 फंदे जो है वो काफ़ी होंगे क्योंकि डबल ऊन हमने यूज़ करनी है, तो इसलिए हम 35 फंदे पहले इस तरह से कास्ट ऑन कर लेते हैं। ये देखिए 35 फंदे हमने इस तरह से कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब इन दोनों धागों से, दोनों धागे मेरे इस तरफ आ गए हैं, इनसे अब हम बुनाई स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले देखिए हमने इन फंदों को मार्क कर लेना है। पहले ये देखिए दो फंदे छोड़कर हम यहाँ पे एक मार्कर लगा लेंगे, स्टिच मार्कर इस तरह से। आप चाहें तो धागा भी लगा सकते हैं। अब हमने यहाँ पे बीच में 15 फंदे रखने हैं, 15 stitches, उसके बाद हम यहाँ पे मार्कर लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने ये मार्कर लगा लिया। अब बीच में एक फंदा रखेंगे और इस तरफ फिर से हम मार्कर लगाएंगे। ये हमने इसलिए लगाया क्योंकि इस बीच के फंदे के इस तरफ और इस तरफ हमने एक एक फंदा जो है इस तरह से वी शेप में बढ़ाना है। और इस तरफ जो हमने ये मार्कर लगाया है तो एक फंदा हम इस तरफ को बढ़ाएंगे और इस तरफ फिर से हम दो फंदे छोड़कर मार्कर लगा लेंगे। तो ये हमारे बीच में फिर से 15 फंदे रहेंगे, 15 हमारे ये हैं, 15 ही ये फंदे हैं। ये देखिए यहाँ पे भी हमारे ये 15 फंदे आ गए, 15 इस तरफ आ गए, बीच में एक और साइड्स में दो दो, तो हमारे ये 35 फंदे पूरे हो गए। अब रो वन पहली सिलाई ये उल्टी तरफ से आ रही है क्योंकि हमने जिस तरह से फंदे कास्ट ऑन किए थे तो ये हमारी रॉन्ग साइड है, इसलिए हमने सारे फंदों को जो है इसमें सीधा बुन लेना है, ऑल द स्टिचेस। रो वन रॉन्ग साइड, तो उल्टी तरफ से ये पूरी सिलाई हम पहले जो है वो सीधी बुन लेते हैं, निट ऑल। ये हमने सारे फंदे जो है वो सीधे बुन लिए। अब रो टू राइट साइड, सीधी तरफ से दूसरी सिलाई, यहां से हमने अब इंक्रीज करना शुरू करना है, फंदों को बढ़ाना शुरू करना है। पहला फंदा पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे। अब देखिए एक फंदा सीधा, ध्यान से देखिएगा, एक फंदा सीधा बुना। अब ये हमने मार्कर लगाया है, यहाँ पे हम एक फंदा इस तरह से बढ़ा लेंगे धागा आगे करके। अगर आप इस फंदे को दो बार बुनकर बढ़ाते हैं तो वैसे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी आपको बाद में मुश्किल आएगी काउंट करने में, इसलिए फंदा हम जो है धागा आगे करके बढ़ाएंगे। फिर अगले 15 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। और अगर आपको लगता होगा ये जाली बनेगी तो ये जाली नहीं बनेगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपने जो है धागा आगे करके ही फंदा बढ़ाना है। निट टू, यान फॉरवर्ड, निट 15। अब ये 15 फंदे हम सीधे बुन लेंगे बीच के, डबल धागा हम यूज कर रहे हैं तो जो ये सोल है ये काफी थिक बनेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज उन्हें लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमें जो है पता चलता है कि हमारे वीडियोस यूजफुल हैं या नहीं है। तो ऐसे हमने ये 15 फंदे जो है उनको सीधा बुन लिया। अब
ये एक बीच का फंदा है, इससे पहले हम धागा आगे लाके एक फंदा बढ़ा लेंगे, फिर से इस फंदे को सीधा बुन लेंगे और इसके बाद फिर से यहाँ पे धागा आगे लाके एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो ऐसे हमने इस फंदे के आगे और पीछे एक एक फंदा बढ़ा लिया। अब फिर 15 फंदे हम ये सीधे बुन लेंगे, नीट 15। तो हमने सोल में जो है एक रो में 4 फंदे ये बढ़ा लेने हैं, 3 हम बढ़ा चुके हैं। 15 फंदे बुनने के बाद फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे। तो ये सोल में पहले भी आपको जो है काफ़ी ज़्यादा बूटीज में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बाकी वीडियोस को सर्च करने के बजाय मैं चाहती हूँ यहीं पे ही आपको ये समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा जो है 3 रोज तक बताऊंगी, उसके बाद हम उसी को हमने फिर रिपीट करना होता है। तो अभी हम पहले ये देखिए यहाँ पे ये फंदा एक फिर से बढ़ाएंगे। ये हमने 15 फंदे सीधे बुन लिए, 2 फंदे बचे धागा आगे लाए, एक फंदा बढ़ गया और फिर 2 फंदे सीधे। अब ये जो धागा आगे लाकर जाली बनी थी, अब हमने रो 3 रॉन्ग साइड, इसमें वैसे तो सारे फंदों को सीधा बुनना है, लेकिन नीट ऑल नीट द यार्न ओवर्स फ्रॉम बैक लूप, जो ये हमारे यार्न ओवर है इसे हम ऐसे सीधा बुनेंगे तो ये यहाँ पे छेद बन जाएगा, जाली बन जाएगी, इसलिए हम इसे इस तरह से बैक लूप से बुनेंगे सीधा। तो ऐसे करने से जो है ये जाली नहीं बनेगी यहाँ पे, ये देखिए। और फिर अगला ये फंदा सीधा, तो हमने ये चारों जो जालियाँ हैं इनको बैक लूप से बुनना है और बाकी जो फंदे फंदे हैं उनको सीधा सीधा बुनना है। तो पहले हम इस नेक्स्ट जाली तक बुन लेते हैं, फिर मैं एक बार आपको फिर से बताऊंगी। ये देखिए जाली तक हमने इन फंदों को सीधा बुना, अब फिर से जाली वाला फंदा है इसे हम इस तरह से बैक लूप से ऐसे सीधा बुनेंगे, फिर ये फंदा सीधा आएगा और फिर इस फंदे को बैक लूप से सीधा बुनेंगे। तो ऐसा करने से हमारे ये फंदे सीधे ही काउंट होंगे, देखिए यहाँ पे कोई स्पेस नहीं बनेगा, कोई होल नहीं बनेगा। तो ऐसे ही पूरी रो सीधी बुन लेते हैं। तो सारे फंदे हम सीधे बुन चुके हैं। अब रो 4 राइट साइड, चौथी सिलाई सीधी तरफ से पहले फंदे को पर्दवाइज स्लिप किया। अब पहले हमने एक फंदा बुनकर फिर यहाँ पे हमने जाली बनाई थी, अब हम 2 फंदे बुनकर जाली बनाएंगे, यानी कि एज की तरफ को इस तरफ को हमने फंदे बढ़ाते जाना है। अभी हमने 2 फंदे बुनकर जाली बनाई स्लिप करने के बाद, फिर स्लिप करने के बाद 3 फंदे बुनेंगे, फिर जाली बनाएंगे। तो ऐसे ही हम इन फंदों को बढ़ाएंगे। और जो बीच के फंदे हैं वो पहले हमने एक फंदा सीधा बुना था, अब हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, यानी कि ये जो 15 फंदे हैं ये हर बार 15 ही रहेंगे। जो ये 15 फंदे हम सीधे बुन रहे हैं देखिए 15। तो वैसे मैंने जो है सबटाइटल्स में लिख दिया है कि किस तरह से हमने ये फंदे बढ़ाने हैं, ये देखिए। अब ये हमारा बीच का फंदा है, इससे पहले एक फंदा बढ़ाएंगे, 3 फंदे ये सीधे बुनेंगे, 1 2 3। तो पहले ये एक था, अब ये 3 हो गए, फिर यहाँ पे जाली बनेगी, फिर 15 फंदे सीधे और फिर इस तरफ लास्ट में भी अब हमारे जाली के बाद 3 फंदे सीधे आएंगे। तो ऐसे ही हम इधर भी एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे, बीच में भी हमने एक इस तरफ और एक इस तरफ यानी कि 2 फंदे बढ़ेंगे और इस तरफ फिर से एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। तो ऐसा हमने तब तक करना है जब तक हमारी नीडल पर जो है 55 फंदे नहीं हो जाते हैं। तो ये हम 11 सिलाइयों तक बुन चुके हैं, 11 रोज, और अभी हमारे पास 55 फंदे हैं। अभी हम एक बार फिर से फंदे बढ़ाएंगे यहाँ पे जो है, देखिए इसमें अभी हम 7 फंदे सीधे बुनेंगे, 3 4 5 6 7, फिर यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे और फिर 15 फंदे सीधे बुनेंगे जैसे बुन रहे थे, 1 2 3 4। तो पहले ये 15 हम बुन लेते हैं, ये देखिए 15 हमने बुन लिए, फिर धागा आगे लाएंगे और ये बीच के फंदे हम सीधे बुन लेंगे। तो ये हमारे 11 फंदे हैं बीच में जो हमने सीधे बुनने हैं, 11। तो
जिस क्रम में हम पहले बढ़ा रहे थे अब बढ़ा तो हम वैसे ही रहे हैं, लेकिन ये हमारी लास्ट रो है बढ़ाने की, इसलिए मैंने आपको इसको फिर से एक बार बताना जो है वो ज़रूरी समझा। देखिए ये अब यहाँ पे फिर से हम धागा आगे ला के एक फंदा बढ़ाएंगे। अब 15 फंदे हम सीधे बुन लेते हैं, नीट 15। ये 15 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से धागा आगे लाएंगे, 7 फंदे ये सीधे। तो ऐसे हमने ये 12th रो यानी 12वीं सिलाई कंप्लीट कर ली, और इस तरह से हमारे पास टोटल 59 फंदे हो गए हैं, 59 स्टिचेस हो गए हैं। अब ये हमारी रॉन्ग साइड है, लेकिन हमने इसे दूसरे कलर से बुनना है। देखिएगा रो 13 रॉन्ग साइड, स्टार्ट वर्किंग विद कलर 2। तो यहाँ पे हम पिंक कलर लेंगे क्योंकि रैबिट का कलर जो होता है व्हाइट और पिंक ही रहता है, तो यहाँ पे हम पिंक कलर ले रहे हैं। अगर आप पीच कलर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो इसमें हमने इन सारे फंदों को अब उल्टा बुनना है, पर्ल ऑल द स्टिचेस। ये देखिए जो जाली वाला फंदा है उसे कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम ये 7 फंदे उल्टे बुन लेते हैं, पर्ल 7। ये देखिए इसे हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे, फिर ये बाकी फंदे भी उल्टे। तो ये हम पूरी रो ऐसे ही उल्टी बुन लेंगे, जाली वाले फंदे को बैक लूप से उल्टा बुनेंगे और पूरी रो उल्टी बुन लेंगे, पर्ल ऑल। ये हमने सारे फंदे उल्टे बुन लिए। अब इस तरफ से हम इन सब फंदों को सीधा बुनेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। अब निट ऑल द स्टिचेस फ्रॉम दिस साइड। तो ये रो 14 है हमारी, 14वीं सिलाई है जिसे हम सारी सीधी बुन लेंगे, निट ऑल। तो ये पूरी रो सीधी बुन लेते हैं, ये हमने पूरी रो सीधी बुन ली है। देखिएगा अब यहाँ पे हमने ये पीकॉट एज बनाना है। ये पीकॉट एज जो हमने इसमें बनाया है सेम हम यहाँ पे भी बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, इस तरफ से हम इन फंदों को, एक फंदा पहले हम स्लिप करेंगे, उसके बाद एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पर्ल 1, फिर धागा घुमाएंगे इस तरह से और दो फंदे एक साथ उल्टे, यार्न ओवर पर्ल 2 टुगेदर, फिर धागा घुमाएंगे दो फंदे एक साथ उल्टे। तो जैसे हम जाली बनाते हैं हमने ये उल्टी तरफ से जाली बनाते हुए ये पूरी रो कंप्लीट करनी है, यार्न ओवर नेट 2 टुगेदर, कीप रिपीटिंग। तो पूरी रो ऐसे ही बनाएंगे, धागा घुमाएंगे दो फंदे एक साथ उल्टे। तो ये पूरी ऐसे ही रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए पूरी सिलाई हमने इस तरह से बुन ली है, लास्ट में 2 का 1 किया और लास्ट फंदा उल्टा। अब नेक्स्ट रो में हमने फिर इन सारे फंदों को सीधा बुन लेना है, ऑल द स्टिचेस इन दिस रो। तो ये पूरी सिलाई फिर से हम पूरी सीधी बुन लेंगे, निट ऑल। ये हम सारे फंदे सीधे बुन चुके हैं। अब हम इस जो है जो हमने ये पिंक वर्क किया है इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हमने क्या करना है। पहले तो हम ये पहला फंदा यहाँ से जो हमारा ये नीचे से पिंक दिखाई दे रहा है ये उठाएंगे, और ये हमने बिल्कुल साइड में से उठाना है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर हम ये फंदा उठाते हैं तो इसे हमने इस फंदे के साथ बुनना है। जो ये जाली वाला फंदा है देखिए ये हमारा इधर आएगा इसके साथ, यानी कि इस पहले फंदे के लिए हमने यहाँ पे बिल्कुल एज में से फंदा उठाना है ये। अगर आप गलती से इस फंदे के साथ इसे बुन देंगे तो आपकी सारा ये टेढ़ा हो जाएगा वर्क। तो आपने इसी फंदे को उठाना है जो बिल्कुल साइड में है, ऐसे उठाना है और निडल पर रखेंगे और इसे इस फंदे के साथ उल्टा बुनेंगे, लेकिन हमने इसे फर्स्ट कलर से बुनना है जो हमारा वाइट कलर है उससे बुनना है उल्टा, और सिंगल धागा ही अब हम यूज़ करेंगे वाइट का भी। तो ऐसे अब हम देखिए अगला फंदा उठाएंगे, इसे इस फंदे के साथ ऐसे उल्टा बुन देंगे। अब ये जाली वाला फंदा है इसके नीचे का फंदा ये देखिए सामने ये दिखाई दे रहा है, ये इसी के साथ जो है वो बुना जाएगा, उठाकर ऐसे फिर उल्टे दो एक साथ ऐसे ही बुन देंगे। तो ऐसे अब हम ये सारे फंदे एक एक उठाते जाएंगे और इस फंदे के साथ ऐसे उल्टा बुनते जाएंगे। ये बहुत आराम से देखिए दिखाई दे रही है ये लाइन क्योंकि दूसरे कलर में बना है। अब फिर यहाँ से उठाया और
अगले फंदे के साथ उल्टा बुन दिया। तो फ्रेंड्स आपने ये एक भी स्टिच जो है यहाँ से मिस नहीं करना है, इस रो से हर फंदे को हर फंदे के साथ ही उठाकर बुनना है, तभी आपका ये सीधा बनेगा। और लास्ट के ये सेकंड लास्ट फंदे तक पहले हम बुन लेते हैं इस तरह से। ये देखिए इसे हमने यहाँ तक बना लिया है। अब ये देखिए ये लास्ट फंदा है, इसे थोड़ा सा टाइट रहता है, इसे उठाना मुश्किल होता है, लेकिन हम इस तरह से इसे उठाकर भी बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये जो है 17th रो 17वीं सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब देखिए 18th रो 18वीं सिलाई। अब हम यहाँ पे ये धागे दोनों काट लेंगे, क्योंकि हमने ये भी सिंगल यूज़ करना है और पिंक कलर भी हम अब बाद में यूज़ करेंगे। तो अब देखिए रो 18 18वीं सिलाई, पहले फंदे को या तो यहाँ पे सीधा भी बुन सकते हैं, स्लिप भी कर सकते हैं। अब हमने 15 फंदे उल्टे बुनने हैं, पर्ल 15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15। 15 फंदे हमने ये उल्टे बुन लिए। अब धागा पीछे ले जाएंगे और दो फंदे सीधे बुनेंगे, नेट टू। ये देखिए ये हम जो बनाने जा रहे हैं वो हमारे बूट का फ्रंट है। देखिए ये दो सीधे दो उल्टे, दो सीधे दो उल्टे, दो सीधे, तीन बार हम ऐसे करेंगे, फिर दो उल्टे के बाद बीच में हमारे तीन फंदे आएंगे, क्योंकि हमारे जो थे टोटल 69 थे, तो बीच में हम तीन फंदे रखेंगे, फिर दो उल्टे दो सीधे, दो उल्टे दो सीधे, हम तीन बार करेंगे। तो अब ये बना लेते हैं। ये देखिए दो सीधे हम बुन चुके हैं, अब हम दो उल्टे बुनेंगे और इसे दो बार और रिपीट करेंगे, यानी कि दो सीधे दो उल्टे, नेट टू पर टू थ्री टाइम्स। फिर से निट टू पर टू। तो ये हमने तीन बार दो सीधे दो उल्टे बुन लिए। अब यहाँ पे बीच में हमारे तीन फंदे सीधे आ जाएंगे, निट थ्री, बीच में तीन फंदे ये सीधे आएंगे। ये देखिए ये बिल्कुल मिडल वाला फंदा है जो हमने यहाँ पे एक फंदा ये बनाया था, ये वही फंदा है। फिर एक बुना, अब दो उल्टे दो सीधे हम तीन बार बुनेंगे, पर टू निट टू थ्री टाइम्स, निट टू, फिर दो उल्टे दो सीधे और फिर एक बार दो उल्टे और दो सीधे। तो ऐसे हमने ये रिब्स बना ली है। और अब फिर जैसे हमने स्टार्टिंग में 15 फंदे ये उल्टे बुने थे, ये वाले, यही 15 फंदे इस तरफ भी उल्टे बुन लेंगे, पर्ल 15 दिस साइड टू। तो ये अब 15 फंदे उल्टे बुन लेते हैं, लास्ट फंदा हमारा फिर उसके बाद 16th जो होगा 16वां फंदा वो सीधा आ जाएगा। तो ये अब पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने रो 18 18वीं सिलाई कंप्लीट की। अब रो 19th 19वीं सिलाई, पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया। अब ये 15 फंदे इस तरफ से हम उल्टे ही बुनेंगे, पर्ल दीज 15 स्टिचेस, उस तरफ से भी हमने इन्हें उल्टा बुना और इस तरफ से भी उल्टे बुनेंगे, तो ये गार्टर स्टिच हमारा बनेगा। तो पहले हम ये 15 फंदे उल्टे बुन लेते हैं थोड़ा फास्ट। और 15, अब ये जो दो फंदे उस तरफ से हमने सीधे बुने थे, इस तरफ से ये उल्टे बुने जाएंगे ऐसे, और जो फंदे उस तरफ से हमने उल्टे बुने थे इस तरफ से सीधे बुने जाएंगे, यानी कि बीच वाले फंदे जो है हमने जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बुनने हैं। फिर ये दो उल्टे आ जाएंगे और फिर ये दो सीधे आ जाएंगे। Work the stitches as they appear. फिर ये दो सीधे आ जाएंगे
और बीच में हमारे ये तीन उल्टे आएंगे, पर्ल दीज थ्री स्टिचेस मिडल वंस। तो ये मिडल वाले जो तीन फंदे हैं ये तो उल्टे आएंगे तीन, फिर दो सीधे दो उल्टे हम बुनकर ये पूरी रो ऐसे ही बनाएंगे, दो उल्टे फिर दो फंदे सीधे, दो उल्टे वन टू और फिर दो सीधे, फिर ये दो उल्टे जो है ये वाले आएंगे। ये देखिए ये जो दो हमने इस तरफ से सीधे बुने उल्टे बुने जो सीधे बुने थे, और इसके बाद ये 15 फंदे जो है हमारे ये भी उल्टे आएंगे। तो यानी यहाँ पे हमारे ये 17 फंदे उल्टे आएंगे और एच स्टिच भी उल्टा बुन लेंगे हम। तो ये अब हम पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं लास्ट तक, पर्ल ऑल। ये हम पूरी रो कंप्लीट कर चुके हैं। और फ्रेंड्स ये जो हमने दो सिलाइयां बुनी है, यानी कि एक फंदा स्लिप करने के बाद 15 फंदे उल्टे, फिर दो सीधे दो उल्टे तीन बार बुने, फिर बीच में तीन सीधे आए, फिर दो उल्टे दो सीधे तीन बार बुने, और फिर 15 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा, और उस तरफ से हमने जैसे बुना। तो ये जो दो सिलाइयां थी इन्हें को अब हम 6 बार और रिपीट करेंगे, यानी कि हमने रो 31 तक, रो 31 तक जो है इस तरह से ही बुनते जाना है। इन फंदों के ऊपर उल्टे बुनते जाएंगे और जो सीधे के ऊपर सीधे, उल्टे के ऊपर उल्टे, सीधे के ऊपर सीधे, सेम यही दो सिलाइयां हमने 6 बार और रिपीट कर लेनी है। रिपीट दीज टू रो 6 मोर टाइम्स। ये देखिए इसे हमने रो 31 तक 31 सिलाइयों तक इस तरह से बुन लिया है। और ये हमारी अगर रिब्स गिनेंगे तो ये हमारी 7 रिब्स बनेंगी, 7 धारियां बनेंगी, क्योंकि हमने ये 14 बार इन सिलाइयों को बुना है। अब देखिए रो 32, 32वीं सिलाई राइट साइड है। ये पहले फंदे को स्लिप करके इन 15 फंदों को तो ऐसे ही बुन लेंगे उल्टा जैसे बुन रहे थे, पर्ल 15। तो ये पहले बुन लेते हैं 15 फंदे। ये देखिए 15 फंदे उल्टे बुनने के बाद ध्यान से देखिएगा हमने क्या करना है। जो ये दो फंदे हैं सीधे वाले, इन दोनों को बैक लूप से धोखाए कर देंगे, चाहे आप इस तरह से ट्विस्ट करके भी कर सकते हैं। धोखाए किया, जो उल्टे फंदे हैं इनको उल्टा बुनते हुए धोखाए करेंगे, फिर धागा पीछे जाएंगे, जो सीधे फंदे हैं उन्हें इस तरह से धोखाए करेंगे बैक लूप से, उल्टे फंदों को उल्टा बुनते हुए धोखाए करेंगे। अब ये फिर से दो फंदे हैं इन्हें धोखा एक बैक लूप से। तो हमने ये तीन बार जो है सीधे फंदों को किया और अभी तीन बार ही उल्टे फंदों को धोखा एक कर दिया। अब ये बीच के जो तीन फंदे हैं ये देखिए इन तीन का हम एक कर देंगे। पहले दो फंदों को इस तरह से स्लिप करेंगे और बैक लूप से इस तरह से वापस लेंगे निडल पर और तीन का एक कर देंगे, जैसे हम वी नेक की जो है गले की कटाई करते हैं, गले की कटिंग है देखिए ऐसे। तो ये हमने तीन फंदों का एक कर लिया, बीच के तीन जो सीधे फंदे आ रहे थे। अब फिर इन दो फंदों का जो है इस तरह से एक करेंगे। अब इस बार हमने सीधे फंदों को इस तरह से बैक लूप से नहीं, नॉर्मल जैसे हम सीधा बुनते हैं वैसे धोखा एक करेंगे, फिर दो फंदे उल्टे एक साथ, फिर दो फंदे सीधे एक साथ। तो ये हम बाकी रो ऐसे ही बनाएंगे, फिर दो फंदे उल्टे एक साथ, फिर दो फंदे सीधे एक साथ। तो ऐसे हमने इन सारे फंदों का धोखा एक कर दिया, जो बीच के तीन थे उनका तीन का एक कर दिया। अब ये फिर उल्टे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, पर्ल दीज 15 स्टिचेस और लास्ट फंदा सीधा नीट द एच स्टिच। तो ये रो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली। अब देखिए रो 33, 33वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, 15 फंदे पहले हम ये उल्टे बुन लेंगे, पर्ल दीज 15 स्टिचेस। तो इन्हें हम उल्टा बुन लेते हैं पहले 15 फंदों को, पर्ल 15। ये देखिए 15 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब ये जो हमने दो फंदों का एक किया था इसे हम उल्टा बुनेंगे, और जो उल्टा बुनते हुए दो का एक किया था ये देखिए उल्टे वाले फंदों को, इनको हम सीधा बुनेंगे, पर्ल 1 नेट 1, एक उल्टा एक सीधा बुनते जाएंगे, उल्टा सीधा उल्टा सीधा
उल्टा। तो ये 13 फंदे हैं, 13 स्टिचेस हैं जिनको हमने एक उल्टा एक सीधा करके बुन लिया। ये देखिए, ये फिर उल्टा आएगा और फिर हम ये 15 फंदे भी उल्टे बुन लेंगे और एच स्टिच को भी उल्टा बुन लेंगे, पर रेस्ट ऑफ द स्टिचेस तो ये पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं। ये हमने रो 33 कंप्लीट कर ली। अब देखिए रो 34, 34वीं सिलाई, फिर से पहले फंदे को स्लिप करके ये 15 फंदे उल्टे बुन लेंगे। Purl these 15 stitches again. तो पहले हम ये 15 फंदे उल्टे बुन लेते हैं। ये 15 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं, ये देखिए। अब ये जो बीच के फंदे हैं इनमें फिर से हम दो काय करेंगे, फिर इन दो फंदों को इस तरह से ट्विस्ट किया और बैक लूप से दो काय कर दिया। अभी सीधा बुनते हुए करेंगे क्योंकि सीधे फंदे के साथ उल्टे फंदे को हम मर्ज कर दे रहे हैं। इस तरह से नीट टू टूगेदर, फिर से ट्विस्ट करेंगे और निट टू टुगेदर। तो तीन बार हमने ऐसे कर लिया। अब बीच का ये जो हमने तीन का एक किया था इसे हम नॉर्मल सीधा बुन लेंगे और इस तरफ से दो का एक करते हुए बुनेंगे। दो का एक, देखिए सीधे फंदे को उल्टे फंदे के साथ दो का एक कर देंगे। तो तीन बार हमने इस तरफ से दो का एक कर दिया ऐसे। अब फिर ये 15 फंदे उल्टे, पर्ल दीज 15 स्टिचेस और लास्ट फंदा सीधा। तो ऐसे हमने रो 34 कंप्लीट की। अब रो 35, 35वीं सिलाई, इसमें हमने सारे ही फंदों को सीधा बुन लेना है। रॉन्ग साइड है तो पहला फंदा पर्ल वाइज स्लिप किया, बाकी पूरी रो हम सीधी बुन लेंगे। निट ऑल द स्टिचेस इन रो 34 रॉन्ग साइड। तो ये पूरी की पूरी सिलाई हम सीधी बुन लेते हैं। निट ऑल, ये देखिए ये हमने कंप्लीट कर ली रो 35। अब रो 36, 36वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पे हमने देखिए ये जाली बनाई है डोरी डालने के लिए, ताकि बूट हमारा जो है अंदर से भी हम इसे सिक्योर कर सके, टाइट रहे। वैसे खुलने का डर रहता है और वैसे भी अगर ये यूज़ नहीं भी होती है तब भी ये जाली अच्छी लगती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, धागा आगे करके जाली बनाएंगे, एक दो फंदे एक साथ सीधे, धागा आगे दो फंदे एक साथ सीधे, जैसे हम जाली बनाते हैं नॉर्मली वैसे जाली बना लेंगे। यार्न ओवर, निट टू टुगेदर, कीप रिपीटिंग टिल द एंड ऑफ द रो। तो ऐसे हम लास्ट तक ये जालियां बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे ये वाली रो। ये देखिए ये रो हमने पूरी कंप्लीट कर ली। लास्ट में हमने धागा आगे करके दो का एक किया और लास्ट फंदा हम सीधा बुन लेंगे। अब नेक्स्ट रो, रो 37वीं सिलाई, रो 37, इसमें फिर हम सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। तो ये रॉन्ग साइड है और सारे फंदे इसमें हमने फिर से सीधे बुन लेने। ऑल द स्टिचेस इन रो 37 रॉन्ग साइड। तो ये पूरी की पूरी रो सीधी बुन लेते हैं। तो 37वीं सिलाई हमने सीधी बुन ली और अब जो है 38वीं सिलाई, रो 38, इसे हम चाहे तो इसी कलर से अब हम बॉर्डर बनाएंगे वन बाय वन रिप का, चाहे इस कलर से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे दूसरे कलर से बना रही हूँ, देखिए यूज एनी कलर एंड वर्क वन बाय वन रिप बॉर्डर। ये देखिए एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। तो ऐसे हम पहले ये 16 सिलाइयाँ, 16 रोज इसकी बना लेंगे किसी भी कलर की। वर्क 16 रोज ऑफ वन बाय वन रिप। पहले ये सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब इस तरफ से जैसे फंदे हमारे दिख रहे वैसे हम इन्हें बुनेंगे। पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, ये एक फंदा सीधा ये उल्टा, जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसे उल्टा, जो फंदा सीधा दिख रहा है इसे सीधा। तो ऐसे ही हम ये सारे फंदे 16 सिलाइयों में बनाते जाएंगे। तो ये 16 सिलाइयाँ अब हम वन बाय वन रिप की बना लेते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से 16 सिलाइयाँ ये बना ली है, ये देखिए एक सीधा एक उल्टा की। अब हम यहाँ पे कलर्स को अल्टरनेटिवली चेंज करके बनाएंगे ताकि थोड़ी सी हमारे जो है बूटी की शो बन जाए। तो उसके लिए अब हम जो है दो सिलाई वाइट कलर से बना लेंगे, बनाएंगे यही जो है वन बाय वन रिप। जब हम इस रिबिंग में कलर चेंज करते हैं तो ये जो हमारे कलर चेंज करने का उल्टे फंदे में जो दूसरा कलर दिखाई देता है ये नहीं नज़र आता है, क्योंकि
जो है सीधा फंदा आगे को रहता है इसमें और उल्टा फंदा दब जाता है, तो इसलिए उल्टे फंदे का जो हमारा कलर चेंज करने की जो बाहर सी बनती है वो नहीं दिखाई देती है। इसलिए हम इसमें आराम से कलर चेंज करके बुन सकते हैं। तो अभी हम ये पूरी सिलाई जो है पहले बुन लेंगे, उसके बाद अगली दो सिलाई में हम पिंक कलर लगाएंगे, फिर दो में ये। तो अब हम ये दो दो सिलाई चेंज करते हुए जो है फिर से 14 रोज 14 सिलाइयाँ बना लेंगे। पहले ये रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये रो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस तरफ से हम फिर से जैसे फंदे हैं वैसे इन्हें बुनेंगे। वर्क द स्टिचेस एज से अपीयर। तो पहले हम ये वाली रो ऐसे ही बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं, उल्टे फंदे उल्टे, सीधे फंदे सीधे। ये देखिए ये पूरी रो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब फिर हम कलर चेंज करके दो सिलाई इस कलर से बनाएंगे। तो ऐसे ये 14 रोज 14 सिलाइयाँ हम कलर चेंज करते हुए बना लेंगे। तो अब ये 14 सिलाइयाँ जो है इस तरह से कलर चेंज करते हुए हम इस बॉर्डर की बना लेंगे। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हम 14 रोज बना चुके हैं। 4 हमारी ये वाइट आई है और 3 ये पिंक आई है, 4 वाइट 3 पिंक। अब एक रो हम फिर पिंक की बुनेंगे, सिर्फ एक रो, नीट 1 रो ऑफ पिंक। तो ये राइट साइड से हम बुन रहे हैं। देखिए इस तरह से ये राइट साइड है। तो ये एक सिलाई बुन लेते हैं। ये देखिए एक सिलाई हम बुन चुके हैं, ये राइट साइड है। अब हम इस तरफ से जो है पीकॉट बाइंड ऑफ करेंगे, और ये रॉन्ग साइड है, इससे इसलिए करेंगे क्योंकि राइट साइड से हमने इसे इस तरह से मोड़ कर बनाना है। ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे ये इस तरह से, ये राइट साइड है और यहाँ पे ये जो बाहर की तरफ को आई है रॉन्ग साइड, तो इसे हमने फाइन लुक देना होता है, इसलिए हम रॉन्ग साइड से जो है बाइंड ऑफ करेंगे। तो पीकॉट बाइंड ऑफ के लिए देखिएगा, पहले इस फंदे को 3 बार बुनेंगे, 1 2 3, 3 बार बुना। अब अगला फंदा बुनेंगे और इसे ऊपर से इस तरह से बाइंड ऑफ कर देंगे। फिर एक फंदा बुनेंगे और इसे ऊपर से बाइंड ऑफ कर देंगे। अब फिर इस फंदे को 3 बार बुनेंगे, 1 2 3, 3 बार बुना। अगला फंदा बुनेंगे और इसे ऊपर से इस तरह से उतारेंगे। फिर अगला फंदा बुनेंगे और इसे ऊपर से उतारेंगे, और यही स्टेप्स हम बार बार रिपीट करेंगे। अब इस फंदे को 3 बार बुनेंगे। तो इसे हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए पिकॉट्स बना रहे हैं ताकि इसकी फ्रिली लुक आ सके थोड़ा सा। ये देखिए इस तरह से फ्रिल जो है फ्रिल टाइप में ही बनता जाएगा। अब फिर इसे बुनेंगे और इस फंदे को ऊपर से उतार देंगे। फिर अगला फंदा सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को ऊपर से उतार देंगे। अब इस फंदे को 3 बार बुनेंगे। तो ऐसे बुनते हुए हम ये पीकॉट बाइंड ऑफ पूरा कर लेंगे। ये देखिए इसे बुना, ये जो एक फंदे को 3 बार बुना था इसे उतारा, फिर अगला फंदा सीधा बुनेंगे और इसे फिर से उतार देंगे। अब फिर इस फंदे को 3 बार बुनेंगे। तो ऐसे हम ये बाइंड ऑफ कर लेते हैं। ये देखिए पूरी रो हमने ऐसे बना ली और इसे हमने जो है पास पास किया है, तो ये जो है क्लोजली हमने किया है तो ये थोड़ा फ्रिली इफेक्ट दे रहा है। अब लास्ट में हमने इस फंदे को सीधा बुनकर और इसे ऊपर से पास कर दिया, और ऐसे हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हम इस धागे को काट लेंगे, और क्योंकि पिंक पिंक पोर्शन हमने इसी धागे से स्टिच करना है, तो हम स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा धागा रख कर काटेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको थ्रेडर बनाना सिखाया था, किस तरह से हमने हार्ड पेपर को काट कर थ्रेडर बनाना है ताकि आराम से हम इसे पिरो सकें। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इस तरह से हमने ये अब निडल में ले लिया है और इस फंदे को इसमें से पास कर देंगे ऐसे। अब हमने जो स्टिच करना है वो इस हिसाब से करना है। देखिए ये हमारी राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। अब जो इतना पोर्शन है स्ट्राइप्स वाला, ये हमारा रॉन्ग साइड बाहर को रहनी है, तो हम इसे ऐसे स्टिच करेंगे। देखिए ये रॉन्ग साइड है, ऐसे टर्न किया और ऐसे हम इसे स्टिचिंग करना शुरू करेंगे। यहाँ से पहला फंदा उठाएंगे, ये पिंक वाला,
यस ऐसे। अब इधर से पिंक वाला फंदा उठाएंगे ऐसे, ये देखिए। अब ये व्हाइट वाली स्ट्राइप है, इसका एक फंदा उठाएंगे सफेद वाला, इस तरफ से सफेद वाला फंदा उठाएंगे ऐसे। जो ये धागे हमने काटे हैं इनको हम अंदर की तरफ को फिनिश करेंगे, और ये हमने यहाँ तक स्टिच करना है, सिर्फ ये इस पोर्शन तक जहाँ तक वाइट हमारी स्ट्राइप है वहाँ तक हमने इसे ऐसे स्टिच करना है। पिंक, फिर इस तरफ का पिंक। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम धारियों को मिलाते हुए इन कलर्स को ऐसे मैच करते हुए इसे यहां तक स्टिच कर लेंगे, वाइट से वाइट तक। ये देखिए इसे यहां तक हमने स्टिच कर लिया है। अब ऐसे हम टर्न कर लेंगे इसे, और क्योंकि अब राइट साइड को हमने सामने से स्टिच करना है तो हम ऐसे इसे स्टिच करना शुरू कर देंगे बदल कर। देखिए एक फंदा इस तरफ से लेंगे, एक इस तरफ से लेंगे, और ऐसे हम अब ये पूरा पहले यहाँ से यहाँ तक करेंगे स्टिच, फिर ये हम वाइट कलर से करेंगे ये, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से ये चीज़ वाइट कलर से। तो अब हम ये स्टिच कर लेते हैं पूरा, ये लेग भी और सोल भी। ये देखिए इसे हमने स्टिच कर लिया। अब इस तरह से हम इसे टर्न करेंगे यहाँ तक जहाँ तक हमने इसे इस तरह से स्टिच किया था इस तरफ से, और अब हम ईयर्स बनाएंगे। ये हमारा फुट बनकर रेडी हो गया है। अब हम कान बनाएंगे पहले रैबिट के। तो उसके लिए हम इस तरह से पिंक कलर से पहले 7 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। कास्ट ऑन 7 स्टिचेस, 1 2, सिंगल धागे से ये फंदे हम कास्ट ऑन करेंगे, 3 4 5 6 एंड 7। इन्हें हमने बहुत लूज नहीं कास्ट ऑन करना है, देखिए इस तरह से। अब हमने इन फंदों को कैसे बुनना है देखिए, पहले ये देखिए पहला फंदा है, इसे 2 बार बुनेंगे, एक बार फ्रंट से और एक बार बैक से। तो एक फंदे के 2 बनाएंगे, ऐसा हम 3 बार करेंगे। एक बार कर चुके 2 बार और करेंगे, मेक 2 स्टिचेस 3 टाइम्स, 2 3, ऐसे 3 बार हमने ये बना लिए। अब एक फंदा हम नॉर्मल बुनेंगे, अब इस तरफ फिर से हम इन 3 फंदों के जो है एक एक फंदा बढ़ाते हुए बुनेंगे, मेक 3 स्टिचेस, मेक 2 3 टाइम्स ऐसे। तो ये हमने 7 फंदों से 13 फंदे बना लिए ऐसे। अब रो 2 दूसरी सिलाई, इसमें हम इन सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे, पर्ल ऑल दी स्टिचेस। फर्स्ट स्टिच को स्लिप भी कर सकते हैं, तो ये सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। बहुत आसान है फ्रेंड्स, 4 सिलाई में ही ये हमारा जो कान है ये बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए, तो ऐसे हमने ये 2 सिलाई पिंक कलर से बुन ली। अब हम जो है व्हाइट कलर से बुनाई स्टार्ट करेंगे। ये देखिए पहले हम ये एक फंदा सीधा बुनेंगे, अब इस एक फंदे के 2 बनाएंगे, मेक 2 निट 1 मेक 2, एक फंदा सीधा एक फंदे के 2। इस बार हमने ऐसे बनाते जाना है, एक फंदा नॉर्मल सीधा और एक फंदे के 2, पूरी रो ऐसे ही बना लेंगे। फिर 1 के 2 और लास्ट में एक फंदा सीधा।
ऐसे। अब फिर से हम इस तरफ से इन फंदों को उल्टा बुन लेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। देखिए सारे फंदे हमने उल्टे बुन लिए। ऐसे अब इस रो में हम इन फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। बाइंड ऑफ ऑल द स्टिचेस, एक एक करके सीधे बुनते हुए इन फंदों को बंद कर देंगे, बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये सारे फंदे पहले हम ऐसे ही बाइंड ऑफ कर लेते हैं। बाइंड ऑफ ऑल। ये देखिए सारे फंदों को बाइंड ऑफ करने के बाद अब हम यहाँ से इस धागे को स्टिचिंग के लिए छोड़ेंगे और बाकी काट लेंगे और ऐसे निकाल देंगे। अब ये हमारा एक ईयर पीस बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए इसे अब हम नीडल की हेल्प से पहले यहाँ से स्टिच करते हैं। देखिएगा ऐसे, इसे फ्रंट साइड से भी कर सकते हैं और बैक साइड से भी। बस हमने जो है इसे इस तरह से मिलाना है कान को ऐसे। अब हम इस कान को जो है फुट के साथ स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ से जो ये हमारी सेकंड वाली रो है, ये जो हमने धारियां बनाई थी, जो दूसरी धारी है, एक कान को हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। अब जो है वो स्टिचिंग हम कर लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी तो मैं आपको ये दोनों कान, दूसरा कान जो है 1 2 यहाँ पे स्टिच करेंगे हम। ये देखिए हमने ये ईयर्स दोनों इस तरह से ज्वाइन कर लिए हैं, एक इस रो के साथ और एक ये वाली रो के साथ। अब पहले हम यहाँ पे जो नोज है, नाक है, वो अटैच करेंगे। और क्योंकि हमने दोनों पाँव में एक तरह से करनी है तो हम यहाँ पे काउंट करके करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, जो पांचवा फंदा है पीछे से हम पांचवें फंदे से इस तरह से सुई निकालेंगे। ये देखिएगा ये, और जो नोज है इसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे पिंक बीड मैंने नोज के लिए लिया है। आप चाहें तो आप एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं या आप पिंक कलर का बटन भी यूज कर सकते हैं इस तरह से। और इसे अब हम दो बार स्टिच करके सिक्योर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से 2 स्टिच ऊपर यहाँ से हम ये निडल निकालेंगे, 2 स्टिच ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे हमने अब आईज अटैच करनी है। तो आईज के लिए हम ब्लैक बीट लेंगे और एक साइड पे एक आई और यहाँ से धागा जो है निडल को डायरेक्ट सीधा निकाल कर दूसरी साइड से दूसरी आई। पहले हम इन्हें इस तरह से अटैच कर लेंगे, उसके बाद हम इन्हें जो है पक्का कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे। तो ऐसे हम ये अब आंखें भी जो है पक्की कर लेते हैं। ये देखिए इन्हें हमने पक्का कर लिया। अब पाँव में पहना के देखते हैं कि कैसे लगते हैं ये दोनों बूट। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये दोनों शूज़ जो है बनाकर रेडी कर लिए हैं और ये बहुत ही क्यूट से बने हैं। तो होप आपको ये पसंद आए होंगे और आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। देखिए डबल सोल होने की वजह से ये और भी ज़्यादा ड्यूरेबल बनेंगे और जो है बहुत ही अच्छे लगेंगे, स्टिफ रहेंगे। तो फ्रेंड्स आप भी इन्हें ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये बनाने के बाद कैसे लगे। और कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। पुराने वीडियोस के जो आपके कमेंट्स होते हैं वो, उनका नोटिफिकेशन हमें बहुत ही कम मिलता है, इसलिए पुराने वीडियोस में हम जो है रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आप जैसे ही वीडियोस देखते हैं वैसे ही आप उसके बारे में कुछ भी पूछेंगे तो आपको तुरंत जो है जवाब मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं एक और बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो के साथ। इसी की अब हम कैप बनाएंगे, इसमें लॉन्ग ईयर्स हम बनाएंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।